एक विशेष प्रकार का ध्यान जिससे आप अशरीरी अनुभव कर सकते हैं, कुछ पल के लिए होश में जा सकते हैं। अक्सर आप सोचते होंगे कि यह अशरीरी अनुभव कैसा होता होगा जहां आपको अपने शरीर का बोध नहीं होता, आप अपने आप को इस शरीर के अलावा भी कुछ अलग जान पाते हैं। आपको अपने जीवन काल में अब तक जितने भी अनुभव हुए हैं या जो आगे भी होंगे वो केवल आपके शरीर के और शरीर के पांचों इंद्रियों के कारण हुए हैं और ये सभी अनुभव भौतिक होते हैं। लेकिन क्या हो अगर आप कुछ पल के लिए एक छोटे से प्रयोग से अपने शरीर ना होने का अनुभव कर पाए, और इसके लिए आपको कोई विशेष ध्यान या मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, आप इसे लेट कर भी कर सकते हैं। एक साधारण इंसान अपने शरीर को ही अपना होना जानता है, लेकिन सत्य कुछ और है। आप केवल ये शरीर नहीं है, आप इससे कई बढ़कर हैं, और आप में से बहुत से लोग आज इसे महसूस कर पाएंगे। ये आपके लिए आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के लिए अच्छी तैयारी हो सकती है, क्योंकि अगर आपको ध्यान में किसी कारणवश डायरेक्ट आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो जाता है तो वह आपके लिए थोड़ा डरावना या भयानक भी हो सकता है, क्योंकि आप जन्मों से शरीर के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप ये आसानी से स्वीकार नहीं कर सकते कि आप शरीर के बाहर आ सकते हैं या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और अपने आप को देखिए, अपना चेहरा देखिए, अपना शरीर देखिए। आपके शरीर की आकृति कैसी है? आपका शरीर कितना बड़ा है, कितना चौड़ा है? इस आकृति को गौर से देखते रहिए, केवल शरीर देखिए, अपना चेहरा देखिए। अपनी चेतना को एक एक करके शरीर के सभी हिस्सों पर ले जाइए। जैसे शीशे में आप अपनी नाक को देखिए, गर्दन को देखिए, अपने कानों को देखिए, अपने माथे को देखिए, बालों को देखिए, एक एक करके सभी हिस्सों को गौर से देखिए, फोकस बनाकर देखिए और उसे देखते रहिए। आपको अपने शरीर की बनावट का एहसास हो रहा है, आप अपने ही शरीर को इस भांति देख रहे हैं कि क्या ये मैं ही हूं या मैं कुछ और हूं? अगर ये मैं हूं तो ये शरीर क्या है? आपको थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा है, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच सकता हूं, यानी सोचने वाली चीज कुछ अलग है, ये शरीर अलग है। और वो सोचने वाली चीज इस शरीर के भीतर ही है। आपको अपने भीतर जाने की शुरुआत भौतिकता से ही करनी होती है, क्योंकि आपके लिए पहला सत्य ये भौतिक शरीर, ये भौतिक जगत है। सबसे पहले इसे देखकर, परखकर समझना होगा, इसका पूर्ण बोध लेना होगा। बस यूं टक बांधकर आप अपने शरीर को दूर खड़ा महसूस कीजिए। अपने शरीर से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। अब आप किसी शांत जगह पर किसी भी आसन में बैठ जाएं। वह शांत जगह आपका बंद कमरा भी हो सकता है। अपनी रीढ़ सीधी रखें। एक मिनट तक धीरे धीरे लंबी सांसें लें। सांसें गहरी होनी चाहिए। लंबी सांसों को लेते रहें एक मिनट तक, केवल सांसों को लेते रहें। आपके मन में कोई विचार नहीं है, केवल आपका ध्यान आपकी सांसों पर है।
गहरी लंबी सांसें। अपनी आंखों को खोल लें, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, एकदम रिलैक्स पोजीशन में। अपने हाथों को देखें, हाथों के मैकेनिज्म को देखें। शरीर को अलग महसूस करें। आपके हाथों में जो बाल हैं, जो रुएं हैं, उन रुएं को देखें, उनके छिद्रों को महसूस करें। आपकी त्वचा में जो बाल निकल रहे हैं, उसके मैकेनिज्म को समझें। गौर से अपने हाथों को देखते रहें। अगर आपके हाथों में कुछ नसें दिखाई देती हैं तो उनको भी देखें। बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहें। अपने भारी शरीर को अपने से अलग महसूस करते रहें, बिल्कुल धीरे धीरे, आराम से। अब चाहें तो आप लेट भी सकते हैं। अगर आप आरामदायक बैठे हुए हैं, किसी प्रकार की जलता नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो बैठे रहें। आंखें बंद कर लें। अब अपने शरीर को भीतर से देखने का प्रयास करें। आंखें बंद रखें, अपने भीतर प्रवेश करें। आप अपने भीतर जा रहे हैं। आपको अनंत अंधकार दिख रहा है। आप अपने भीतर जाइए, अपनी सांसों के माध्यम से जाइए। आपके भीतर जा रही प्राण ऊर्जा, आप उसके साथ भीतर जा रहे हैं, भीतर जाते जा रहे हैं। अपने शरीर को भीतर से देखने का प्रयास करें। शरीर के मैकेनिज्म को भीतर से महसूस करें। कल्पना करें कि आपका शरीर आपके भीतर किस प्रकार कार्य कर रहा है। आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, आपकी नसें, उनमें दौड़ता खून, वो सब कुछ देखें, महसूस करें। अपने दिल की धड़कनों को सुनें, उन्हें सुनने की कोशिश करें। आपका हृदय किस गति से काम कर रहा है। अपनी चेतना के माध्यम से अपने भीतर जाकर हर एक चीज का विश्लेषण करें। शरीर के पूरे मैकेनिज्म को समझें। आप देखें कि ये शरीर आप नहीं है। आप महसूस कर रहे हैं कि आप ये शरीर नहीं हो। आप इस शरीर से बिल्कुल अलग हो, बिल्कुल अलग। आप शरीर हो ही नहीं। आपका एक अपना अलग अस्तित्व है जो शरीर के पार है। आप इस शरीर का उपयोग कर रहे हैं। ये शरीर आपको प्रकृति ने दिया है, वो आप महसूस कर रहे हैं। ईश्वरीय शक्ति से, प्रकृति के माध्यम से आपके शरीर का भीतरी मैकेनिज्म काम कर रहा है। ये काम करता है तब भी आप हैं, ये काम नहीं करेगा तब भी आप रहोगे। केवल इस एहसास को महसूस करें। शरीर नहीं होने का एहसास। ये जगत, ये दुनिया, ये संसार आपके सगे संबंधी,
इस समय आपके लिए कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप इन सबसे पार हैं। आपका संबंध ना तो किसी बाहरी चीज से है, ना ही आपके शरीर से और ना ही आपके मन से, क्योंकि आप अपने शरीर को महसूस करने के साथ साथ अपने विचारों को भी देख रहे हैं। अरे वाह, ये क्या, मैं विचारों को भी देख पा रहा हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। जिस प्रकार से मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं शरीर को अलग महसूस कर रहा हूं, उसी प्रकार से मैं अपने विचारों को देख रहा हूं, उन्हें भी अलग महसूस कर पा रहा हूं। ये आनंदमय एहसास आप लेते रहें, इसमें गहरा उतरते रहें, इस अंधकार को महसूस करें। आपको शरीर का बोध नहीं है, आप शरीर नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप विचार भी नहीं हो। आप केवल परम चैतन्य हो। अब ये शरीर, मन, विचार, इनको छोड़ते हुए आपको जो अंधकार दिख रहा है, उसमें गहरा उतरने का प्रयास करें। गहरा उतरते चले जाएं, गहरा उतरते चले जाएं, गहरा उतरते चले जाएं।